हम स्टीम लेते हैं 298, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे, एनर्जी गैप निकालोगे सिलिकॉन का तो मिलता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके किताब में डायरेक्ट यही लिखा है, रट लो। कैसे आया देख लो, किसका रेट ज़्यादा है समझ लो, लीनियरली डिक्रीज करता है वो भी पढ़ लो, सारा इक्वेशन में दिख रहा है। अब बच्चों एनर्जी गैप जर्मेनियम का है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अब सिलिकॉन को कंडक्टर बनानी है तो इस टेम्परेचर पे कितना गैप आया 1.1, और अगर ये फर्मी से कम है तो धड़ाम से जंप कर जाएगा, करंट मिल जाएगा। हाँ ऐसे यहाँ भी आ गया। तो बच्चों ये एनर्जी गैप लिख लो, यहाँ तक की बात आज हमने डिस्कस कर ली। अब इंट्रिंजिक में आपको इतना जानना था, अच्छा कौन सेमीकंडक्टर हुआ नाम बता दो, जर्मेनियम, क्योंकि उसे कम एनर्जी गैप है, 0 केल्विन पे इतना है, थोड़ा 300 केल्विन पे इतना है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी से करंट मिल जाएगा, उसमें बाद में मिलेगा, तो ये वाला अच्छा है कि इसमें कम भरना है उसमें ज़्यादा भरना है। तो आज यहीं तक करेंगे, अगले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे समझ लो, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इसके तुरंत बाद डायोड, इसके तुरंत बाद लॉजिक गेट, उसके तुरंत बाद ट्रांजिस्टर। अगली क्लास 4 घंटे की दोनों क्लास ली जाएगी, पहला दो फिर अगला दो, क्योंकि अब यहाँ रुकने वाला केस नहीं है, अब धड़ाधड़ भागता रहेगा कोर्स।